लव कुश का ये आक्रोश प्रभु श्री राम के लिए आने वाली विपदा का संकेत है। माता सीता लव कुश के इस व्यवहार से पूर्णतया टूट सी गई हैं। और कभी से जाए ना देखी अश्रुपूरित विरह वैदेही प्रभु परिजन के संगम लाए मन में निश्चय किए कपिराए। अपने प्रभु के परिवार को इस प्रकार बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं, मुझे ही कुछ करना होगा। माता, ये प्रभु श्री राम की माला के बिखरे हुए मोती हैं, आप इन्हें सहेज लीजिए। ये मोती नहीं है, अश्रु है, मेरे प्रभु श्री राम के अश्रु, उनकी सीते की अश्रु, दोनों की प्रतीक्षा की अश्रु। माता, इन मोतियों को पिरोना आप ही के हाथों में है और लव कुश ही वो धागा है जो पुनः इस माला को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। पुत्री, हनुमान सत्य कह रहे हैं, किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, भाग्य कर्म पर ही आश्रित होता है। अतः कर्म करो, श्री विद्या की उपासना करो। हाँ पुत्री, माता ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जप करते हुए व्रत रखकर उनकी पूजा करें, समस्त संसार को अपनी आंचल की ममता भरी छाओं में सहेज कर रखने वाली माता ललिता देवी अवश्य ही प्रभु श्री राम के बिखरे हुए परिवार को सहेज कर पुनः मिला देंगी। प्रणाम महाबली कपिश्रेष्ठ। क्या हुआ, आप पुनः चले आए? पुत्र कुश, माता ललिता देवी का नाम सुनकर मेरे मन में कौतूहल जागृत हो गया, इसलिए मैं चला आया। ऋषिवर, कौन है ये माता ललिता देवी? कपिवर, ये पराशक्ति देवी है आदि जननी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। उन्हीं ललिता देवी की कृपा से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियां लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती की भी उत्पत्ति हुई है। समस्त संसार का सृजन उन्हीं की शक्तियों से हुआ है। भंडासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए संसार में माता ललिता देवी प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुई। कामेश्वर अस्त्र से वध किया था उन्होंने भंडासुर का। विनाश, महाविनाश। भंडासुर नाम है सर्वनाश का। महादेव की शक्ति से संपन्न कामेश्वर अस्त्र प्रकट हो। भगवान हैग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बताया था कि कलयुग में माता ललिता देवी का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। उन्होंने कहा था
कि जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी माता ललिता देवी। उचित है ऋषिवर, मैं अवश्य पूजा करूंगी माता ललिता देवी की। किंतु पुत्री, स्मरण रहे उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए एवं हर अगले दिन कमल पुष्पों की संख्या दुगनी करनी होगी। श्वेत कमल पुष्प किसी विशेष सरोवर में उगते हैं क्या वो पुष्प? हाँ हनुमान, संयोग से वो श्वेत कमल पुष्प प्रभु श्री राम के सरोवर में ही खिलते हैं। अब ये दोनों कहाँ चले गए? इनका आयुध भी नहीं है। किंतु बिना बताए ये दोनों आश्रम से कैसे चले गए? इनके पदचिन्ह तो संकेत दे रहे हैं, कहीं लवकुश अयोध्या की ओर तो नहीं चले गए? तो ये प्रभु श्री राम के सामने जाकर अपना सारा आक्रोश न व्यक्त करने लग जाए। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र हनुमान के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए, मैं जाकर लवकुश को सकुशल लौटा लाऊंगा। प्रणाम माता। कहां गए लवकुश? कमल उद्यान की ओर जा रहे हैं दोनों, अर्थात देवी ललिता की पूजा की बात इन्होंने भी सुन ली, इसीलिए ये कमल पुष्प लेने जा रहे हैं। किंतु इन्होंने पूरी बात तो नहीं सुन ली? कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि इनकी माता ही माता सीता है? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उद्यान के स्थान पर सीधा राजभवन में जा पहुंचते। अरे, ये अकस्मात ही दोनों कहां लुप्त हो गए? ये कैसी ध्वनि है? अच्छा, प्रभु श्री राम के पुत्र, कल अयोध्या ने तुम दोनों की भक्ति देखी थी, आज कदाचित तुम दोनों अपनी शक्ति से भी परिचित कराना चाहते हो अयोध्या को। अकस्मात
किसने आक्रमण किया हम पर? सावधान मधुमक्खियां, सैनिकों रक्षा करो अपनी, रक्षा करो अपनी, मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही है, भागो, अपने प्राण बचाओ, भागो, रक्षा करो अपनी। पहरेदारों रक्षा करो अपनी। अचूक लक्ष्य भेदन, त्वरित गति और दृढ़ इच्छा शक्ति, इन्हें तो यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए मेरी या अन्य किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है कुश। हाँ, अब शीघ्र ही कुश ले लेते हैं, चलो। यहाँ से बिना अनुमति कुछ भी लेना कठिन है बालको। इस कमल उद्यान का प्रमुख रक्षक हूँ मैं बलधर, और मेरी सहमति के बिना यहाँ पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, यहाँ ये बलधर और वहाँ लक्ष्मण भैया और भरत भैया, यदि इन्हें भनक भी मिल गई कि क्या हो रहा है यहाँ, तो ये स्थिति दुरूह हो जाएगी। मुझे ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ तो करना होगा। ये तो अनर्थ कर दिया लवकुश ने अपने बालपन में। ये तो उद्यान के रक्षक बलधर का स्वर है। जिसका भय था वही हुआ। हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। श्री राम का कोई भी सैनिक हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि माता सीता के अन्यायपूर्ण त्याग के पश्चात वो श्री राम ही नहीं, सारी अयोध्या तेजहीन हो चुकी है। हाँ, श्रीहीन हो चुकी है, विजयहीन हो चुकी है। उपद्रवी बालको, अभी बताता हूँ कौन तेजहीन हुआ है। इतने तीव्र बाण प्रहार किसके मध्य युद्ध होने लगा है? इन बालकों ने तो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब मैं कैसे रोकूं लक्ष्मण भैया और भरत भैया को? इसी ओर आ रहे हैं वे, और लक्ष्मण भैया का क्रोध भी तो अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या किया तुमने दुष्ट बालको? मुझसे परिहास करने का कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। दुष्ट बालको, रुक जाओ। कहीं ये इन्हें लवकुश के बारे में ना बता दे। बलधर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सखा, क्षमा करना बलधर, ऐसा करना आवश्यक था। हनुमान, ये हनुमान क्या कर रहे? किंतु ये बाण हनुमान के नहीं, कोई शत्रु है निकट ही कहीं, जो बहुत तेज एवं चालाक है। लव, वो रहा कमल पुष्प।
सरोवर में। कुश, कोई है? कहीं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया लवकुश को देख न ले। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा, अभी तो नहीं देख पाए ये लवकुश को, अब क्या करूं? अब क्या करूं? जल का वाष्पीकरण। अब ये वाष्प अकस्मात ही कहां से उत्पन्न हो गया? ये तो और ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं जितना इन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ये उतना ही एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इन्हें? इनकी मुठभेड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि इस वाष्प के कारण लवकुश भैया लक्ष्मण और भैया भरत के निकट पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को देख लिया तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसका भय था वही हो रहा है। ये तो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित मेरी चिंता का कारण दूर हो गया। भारत भैया, ये ध्वनि प्रतीत होता है यहाँ पर कोई है। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ लक्ष्मण भैया, यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतीत होता है वो जो भी थे इस वाष्प की आड़ में यहाँ से निकल गए। किंतु वो यहाँ आए क्यों थे? क्या चाहिए था उन्हें? राधा लक्ष्मण, वहां देखो, सरोवर के कमल पुष्प वहां पर नहीं है। उन्हें तोड़कर ले गए वो। तो मात्र इन पुष्पों के लिए उन्होंने इतना साहस किया? अब चले भीतर। हाँ लव, चलो। माता ललिता, मेरी चिंता दूर करने की कृपा कीजिए माँ। सकुशल लौट आए मेरे लवकुश। माता पूजा की तैयारी कर रही है। उन्हें उचित समय पर जाकर चकित करेंगे हम। बड़ा आनंद आएगा। और सब व्यवस्था तो हो चुकी, किंतु श्वेत कमल पुष्प, उनका क्या? स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए। माँ, लवकुश के होते हुए उनकी माँ बिना पुष्पों के पूजा करे, ये कैसे संभव है? ये लीजिए माँ, पूजा के पुष्प। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात
तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। भैया, सरोवर के मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार उन दोनों बालकों ने बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया। सरोवर के कुछ पुष्पों के लिए ही सही, किंतु यह अनुचित है, दंडनीय है, अपराध है। इसलिए पुनः वो इतना दुस्साहस करे, इससे पूर्व ही हमें उन्हें उचित दंड देना चाहिए। वो दोनों निडर हैं और आज की सफलता से उनके साहस में और भी वृद्धि हुई होगी, इसलिए लवकुश कल पुनः पुष्प तोड़ने आ सकते हैं। प्रभु, बालक तो नटखट ही होते हैं ना, उन्हें उचित अनुचित का इतना ज्ञान कहाँ होता है? हमें बालकों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हनुमान, ये आयु अनुभवों से सीखने की होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार इसी आयु में सीख देकर उन्हें हम उचित आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपराध बड़ा हो या छोटा, दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए, जिससे वो पुनः ऐसा साहस ना कर सके। बलधर जी, आप सरोवर की सुरक्षा दोगुनी कर दीजिए। यदि वो पुनः वहां आए तो उन्हें अवश्य दंडित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया, अनुमति हो तो कल सरोवर की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। आज की सफलता के बाद लवकुश अपनी माता की पूजा के लिए पुष्प लेने अवश्य लौटेंगे। यदि लक्ष्मण भैया स्वयं सरोवर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे भी भोर से पूर्व स्वयं उपस्थित रहकर लवकुश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। पुत्रो, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। नहीं माता, पूर्ण संवाद नहीं, बस थोड़ा सा। जब हमने उन कपि श्रेष्ठ को यहाँ देखा, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आपको अपनी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम दोनों पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। पुत्र, अयोध्या के राज सरोवर से पुष्प लाना तो विकट कार्य है। तुम दोनों ने स्वयं को ऐसे महासंकट में क्यों डाला? वहाँ के रक्षक तुम्हें देख लेते और रोक देते तो? माता, हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम दोनों को रोक सके। माता, इस प्रकार तो प्रतिदिन आपकी पूजा के लिए हम वहाँ से पुष्प ला सकते हैं। लीजिए माता। स्वामी के सरोवर से आए इन कमल पुष्पों को देखकर मुझे उनके कमल नयन का स्मरण हो रहा है। माता, आप किस विचार में खो गईं? पूजा आरंभ कीजिए। हे माँ ललिता, मैं पूजा में वो पुष्प भेंट कर रही हूँ जो मेरे पुत्र मेरे स्वामी के सरोवर से लेकर आए हैं। इस प्रकार मैं अकेली नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार ही आपकी पूजा में सम्मिलित है। ये परिवार पुनः एक हो जाए, मुझे और मेरे पुत्र को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। यहाँ पर स्थित रहूंगा मैं, जिससे जब भी लवकुश इस सरोवर के निकट आएंगे तो मुझे
ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए? लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं? कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला? ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है, अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं। अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था, उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्राता लव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो, मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूँ मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ, मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना, वो बालक आयु में अवश्य कम है किंतु मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र है। ये बाण, अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छिपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूँ और ना ही लवकुश के।
अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहां तक किसी को नहीं पहुंचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों, ये बाण यहां से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहां से आया था। कहां छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहां से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहां है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहां नहीं है तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुछ, मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है, मैं किसकी सहायता करूं, लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए, इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुछ समय के लिए सुरक्षित है, मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूँ। अब मुझसे बचकर कहाँ भागोगे बालक?
ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश, अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना ना हो जाए, लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है। यही कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक किंतु इतनी दृढ़ता, अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है, अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बार तो प्रभावहीन हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी।
लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे, मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूं। सखा से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहां से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यही कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों। प्रभु उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है, किंतु ऐसा अशुभ मिलन, पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। बातें कर रहे हैं, मैं कुछ दिखा नहीं दे रहा, मैं उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है जिससे हमारी गति स्वतः पड़ गई। भागने में सफल हो गए बालक। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा। अयोध्या के राज सरोवर और उनके रक्षकों की ये दुर्गति उन बालकों ने की।
भैया अवश्य ही कोई उनकी सहायता कर रहा है। लक्ष्मण भैया ये तो भाग गए, आज भी नहीं पकड़े जा सके क्या? प्रतीत होता है कोई विलक्षण बालक हैं, जिन्होंने आप सबकी ऐसी अवस्था कर दी। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। उन बालकों का इतना दुस्साहस। हनुमान यथा शीघ्र सभी गुरुजनों मंत्रियों एवं अन्य सभासदों को राजसभा में आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। कैसा विचार उत्पन्न हुआ है प्रभु के हृदय में, कहीं वो राजसभा इन बालकों के विरुद्ध कुछ करने के लिए तो नहीं बुला रहे? दो बार तो लवकुश का युद्ध उनके ही परिवार से होते होते रह गया, अब ज्ञात नहीं आगे क्या होगा। प्रभु की भेंट तो आ गई है माता, अब तो यही मनोकामना है कि शीघ्र वो भी आए और हमें अपने साथ ले जाए। लवकुश के धनुष ये तो टूट चुके हैं, कहीं कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा मेरे पुत्र को? माता आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी एकाग्रता भंग हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ, हम पे कोई संकट नहीं आया था। हाँ हम पर संकट आ भी कैसे सकता है। माँ आप अपना संपूर्ण ध्यान पूजा में लगाइए, अन्य सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। अब हम पुष्प लेने ऐसे जाएंगे कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि लव और कुश, हम पे विश्वास तो कीजिए माता। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। इन दो बालकों के शब्द कल प्रजा के शब्द बनकर पूरी अयोध्या में गूंज सकते हैं। महाराज श्री राम के लिए प्रजा के मन में विश्वास का हास हो, उनके प्रभुत्व को ठेस पहुंचे, उसके पूर्व भी हमें कुछ करना होगा। पुत्र राम आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अश्वमेध यज्ञ? किंतु प्रभु माता सीता का त्याग कर चुके हैं, फिर पत्नी की उपस्थिति के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है ऋषिवर? उसके लिए तो विवाहित युगल को साथ में यज्ञ करना अनिवार्य होता है। उस अवस्था में प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा सुझाव दे दिया इन्होंने, प्रभु माता के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं, और फिर उनके तो दो पुत्र भी हैं। यदि माता को यह ज्ञात हो गया तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराज
लिया है मैंने संपूर्ण जीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहने का वचन। फिर आप मुझे पुनर्विवाह का सुझाव कैसे दे सकते हैं? राजधर्म के निर्वाह हेतु मैं अपनी पत्नी से विलग अवश्य हुआ, किंतु मैं अपना वचन कदापि नहीं तोड़ूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी महाराज? पुनः अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा प्रभु, अयोध्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी महाराज। आपकी महिमा खंडित होगी महाराज। इस प्रकार तो प्रभु पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो वो अपने आप को असफल मानेंगे। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा। शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसी विधि अवश्य होगी जिससे मेरे प्रभु का अश्वमेध यज्ञ दूसरा विवाह किए बिना संभव हो सके। ऋषिवर, वो उपाय तो आप ही सुझा सकते हैं। हमें और संपूर्ण संसार को यह ज्ञात है कि आपने एक पत्नी वचन लिया है, और आपका ये वचन भंग हो ये कोई नहीं चाहता। हनुमान के प्रेरित करने पर माता जानकी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने का शास्त्र सम्मत उपाय मुझे सूझा है। पत्नी की अनुपस्थिति में राजा उनकी स्वर्ण प्रतिमा को साथ में रखकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान है। ये अच्छा हुआ, इस प्रकार तो प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। गुरुदेव, ये तो अति उत्तम उपाय है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। गुरुवर, आपके इस समाधान से मैं असत्य वचन कहने के दोष से रक्षित हुआ। अब राजधर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैं अपनी सीता को दिए हुए वचन पर भी अडिग रह सकूंगा। बुद्धि मताम वरिष्ठम। हनुमान, तुम सूर्य देव के शिष्य हो, गुणी, ज्ञानी और कलाओं में पारंगत होने के कारण त्रिलोकों में तुम्हारी ख्याति गूंजती है। अब तुम ही मुझ पर एक और उपकार करो, अपनी मूर्ति कला से मेरी सीता की सजीव स्वर्ण प्रतिमा के रूप में ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास करवा दो। प्रभु, आपने मुझे इतने बड़े सौभाग्य का पात्र बना दिया है। माता की प्रतिमा गढ़ने से अधिक प्रसन्नता और गर्व की बात इस भक्त और पुत्र के लिए और क्या हो सकती है। हनुमान जी जैसे सर्वोत्तम कलाकार यदि भाभी माँ की मूर्ति का निर्माण करेंगे तो निस्संदेह वो मूर्ति भी जीवंत हो उठेगी। वैदेही करुणा श्री रूपा शक्ति अनादि मान पूर्ण
हनुमत प्रथम दरस स्मृता अशोक वाटिका माता सीता सीता मूरत कपि जो बनाए ममता मई माता की सहाय पूजत जनक सुता रघुराई छवि सोई गढ़ते कपिराई समय शन बीती जाए कपि स्वर्णिम जानकी बनाए आंजनेय प्रतिकाज में दक्षा देखी सब जग आज प्रत्यक्षा यहाँ प्रवेश करते ही जैसे एक सुखद आभास ने मेरे तृप्त हृदय को शीतल कर दिया। सीते प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष आ गई मेरी सीता। प्रभु क्या मेरे द्वारा बनाई गई माता की प्रतिमा आपकी कल्पना के अनुरूप है? प्रभु बताइए ना, इस कार्य में मुझसे कोई कमी या फिर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? हनुमान, माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु तुमने पुत्र होकर आज माता को जन्म दिया है। तुम्हारे कार्य में कोई कमी नहीं हनुमान, अपितु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुमने मुझे मेरी सीता से मिला दिया हो। प्रभु ये मिलन तो अभी अधूरा है, मुझे विश्वास है माता की पूजा संपन्न होते ही आपका उनसे मिलना वास्तविकता में पूर्ण रूप से होगा। माता ललिता, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा संपन्न की है मैंने, मुझ पर कृपा कीजिए माता, मुझे और मेरे पुत्रों को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम से भेंट के सुख का वरदान दीजिए। मेरी मनोकामना अब यही है कि वो समय अब शीघ्र ही आए। हनुमान, समय आ गया है अगले अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ का। सर्वत्र घोषणा कर दो हनुमान, और सभी मित्र राजाओं, विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषियों को निमंत्रण देने की व्यवस्था कर। प्रणाम ऋषिवर, मैं अयोध्या से आपके लिए प्रभु श्री राम का निमंत्रण लेकर आया हूँ। माता, तो क्या आपने मेरी विनती सुन ली? क्या ये आपका ही चमत्कार है कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम ने हम सभी को बुलावा भेजा है? प्रभु श्री राम का निमंत्रण? हाँ ऋषिवर, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण। प्रणाम। विश्वास नहीं होता। माता, आप ही बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सत्य था? किंतु ये कैसे संभव है? पत्नी की उपस्थिति के बिना राजा का अश्वमेध यज्ञ करना तो वर्जित है। मैं वहां नहीं हूं,
तो मेरे स्वामी श्री राम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकती है आप माता? अपनी भक्ति को आशा की किरण दिखाकर निराशा के अनंत सागर में कैसे धकेल दिया आपने? प्रभु श्री राम से मिलन के लिए, मेरे परिवार की पूर्णता के लिए मैंने आपका व्रत किया था, परंतु आज तो वो मेरे बिना ही यज्ञ कर रहे हैं। कहीं उन्होंने? नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी श्री राम कदापि दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जो भी है, मैं अपने नेत्रों से देखना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माता, सहायता कीजिए। माया वहां जाकर मेरे स्वामी से पूछने में मेरी सहायता कीजिए कि वो मेरे बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं। राज धर्म का निर्वहन अनिवार्य है, अन्यथा तुम्हारे बिना मैं अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं करता। कितना अच्छा होता यदि तुम्हारी प्रतिमा के स्थान पर स्वयं मेरे साथ होती। मेरी प्रबल इच्छा है प्रिय कि अब हम इस विरह की पीड़ा को सहने के लिए विवश ना रहे और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो। मुझे ज्ञात था आप मेरी उपस्थिति के बिना ये यज्ञ कदापि नहीं करेंगे। मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रतिमा मेरे स्थान पर है। सीते, सीते, मेरी सीता नहीं, उसका आभास मात्र है। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, वो तो मुझे पुनः अपनाने में इच्छुक है। माता, कृपा कीजिए मुझ पर, मेरे पुत्रों, मेरे लवकुश को मेरे स्वामी से मिलाने का संयोग उत्पन्न कर दीजिए। प्रतीत होता है इस यज्ञ के संपन्न होने से ऐसा शुभ संयोग उत्पन्न होगा जिससे श्री राम और देवी सीता का मिलन संभव हो जाएगा। ऋषिवर, मेरे हृदय में तो कब से यही इच्छा है। इस संयोग को संभव करने के लिए मैं स्वयं यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कही गुरु यज्ञ बने संयोगा, राम जान की दूर वियोगा। जे सुन अति उत्सुक कपिराई, हर्षित यज्ञ व्यवस्था कराई। सामग्री सब माला प्रसादा, वस्तु जुटाए सकल हनुमाना। पूर्व यज्ञ हनुमत स्मृता, भावुक उर चिंतन मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। Oh,
स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम् अग्नये स्वाहा। पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं। आयुष्मान भव, ताचरी तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। यश पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। गरिमा संग प्रस्थाना मान पाया प्रतिस्थाना राम राज दिखे सब ओरा अवध ध्वजा लहरे सब छोरा नगर नगर मंदिर रघुराई
हर्षित मन देखी कपिराई। पूजत अश्व को नृप नर नारी, दीप प्रति पथ पथ को निखारी। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? ये कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? ये कैसे संभव है? तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी, इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है। आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो। इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है? पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और यह पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी। रुक जाओ पुष्कल,
आगे मत जाओ पुष्कर, रुक जाओ, रुक जाओ पुष्कर, पुष्कर आगे मत जाओ। ये तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझमें भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली किंतु स्वयं संकट में आ गए हैं। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। हनुमान जी! ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। हनुमान है वो, उनके तो रोम रोम में धर्म और भक्ति का तेज प्रवाहित है। उन्हें कोई अनिष्टकारी काली माया ना तो प्रभावित कर सकती है और ना ही बंधक बना सकती है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहां सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकी। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया, और समीप मत आइए। आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है। यहां तो सब कुछ जहां था वही जड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये। ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में। कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। हनुमान के लिए संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कर के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे। किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो,
जहाँ से भी आए हो मेरे भीतर समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है ये सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुप कर वार कर रहे हो? साहस है तुम्हें तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। सामने आने में इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सब को स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मुक्त हो गया मेरे प्रभु के नाम से। ये तो बहुत ही सहज उपाय है। जय श्री राम। धन्यवाद हनुमान जी। जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, आपको भी सामान्य अवस्था में लाता हूँ अभी। जय श्री राम।
ये क्या हो रहा है? ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है, मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पूर्वत हो गए, स्वस्थ हो गए। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। ये तो पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं, कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।